दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। जिला रोजगार कार्यालय चंबा में 18 अप्रैल को एक कंपनी द्वारा टर्नर, फिटर, मैकेनिस्ट और सीएनसी ऑपरेटर के विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि इसके लिए 10वीं, 12वीं व आईटीआई शैक्षणिक योग्यता तथा आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित युवाओं को प्रतिमाह 16,000 से 18,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। इच्छुक आवेदक साक्षात्कार के लिए शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अपना बायोडेटा लेकर निर्धारित तिथि और स्थान पर 11 बजे उपस्थित रहें। जिला रोजगार कार्यालय चंबा जो है उसकी ओर से एक कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव कराया जा रहा है 18 अप्रैल को यानी कि मंगलवार को, जिसमें एलिना ऑटो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो पंजाब मोहाली स्थित एक कंपनी है वो 120 के करीब जो है उस अभ्यर्थियों को जो चयन करेंगी डिफरेंट फील्ड्स में, जिसमें आपका आईटीआई के फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट और सीएनसी ऑपरेटर ये हमारे रहेंगे। और इसमें सिर्फ जो मेल कैंडिडेट हैं 18 से 40 वर्ष की आयु के वो इसके लिए हमारे एलिजिबल हैं। और इसमें हमारे 10th और प्लस 2 के भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि अनस्किल्ड के लिए भी है और स्किल्ड के लिए भी है, सेमी स्किल्ड के लिए। एज लिमिट क्या रहेगी और सैलरी पैकेज क्या रहेगा इसमें? एज लिमिट इसकी 18 से 40 है जैसा कि मैंने बताया, और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो उसमें पार्ट ले सकते हैं। और सैलरी पैकेज उनका CTC है वो 16,000 से लेकर 18,000 का जो पैकेज रहेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लाने होंगे सर उन्हें? डॉक्यूमेंट जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं रोजगार कार्यालय का, जो आपका X1 कार्ड है, प्रमाण पत्र जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है वो, और अपना CV, बायोडाटा, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, और फोटोग्राफ, आधार कार्ड अगर है आपके पास, तो बेसिकली ये हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेकर 11 बजे से ये इंटरव्यू ड्राइव हमारे जो बालू में ऑफिस है जिला रोजगार कार्यालय वहाँ पे 18 तारीख को आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जो काउंसलिंग है वो उसी तरह से उनको इंटरव्यू में स्टार्ट होने से पहले इंटरव्यू कंपनी के बारे में भी बताया जाएगा, और भी जो फील्ड्स ओपन हैं उनके लिए उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उस बारे में भी उनसे डिस्कशन किया जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।